अगर आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि आपको टॉपर बनना है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको पढ़ाई करने से, टॉपर बनने से रोक नहीं सकती। अगर आपको खुद पे विश्वास है कि आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं, आप टॉपर बन सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकती है। दुनिया ने हमारे दिमाग में कुछ चीजें डाल रखी हैं, जैसे कि तुम टॉपर नहीं बन सकते, आप सिर्फ 2 महीने का समय बचा है, तुम 2 महीने के अंदर कैसे बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हो, तुम तो लूजर हो। ये सारी चीज जो दुनिया ने दिमाग में डाली है, इसी चक्कर में आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, अगर भैया इस समय का तुमने सदुपयोग कर लिया, अभी भी तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। 3 स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, जितना भी समय है आपके पास उसमें पढ़ के आप टॉपर बन सकते हो। सबसे पहली चीज़, थिंकिंग एंड वर्निंग डिजायर। सबसे पहले तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हें टॉपर बनना है, उसके बाद तुम्हें एक वर्निंग डिजायर चाहिए कि मेरे को टॉपर बनना ही बनना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं टॉपर बन के रहूँगा। नंबर 2, आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं टॉपर बन सकता हूँ, दुनिया क्या बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपने आप पर, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि मैं टॉपर जरूर बन सकता हूँ। और जैसे ही आप ये 2 स्टेप्स कंप्लीट करोगे, 3rd स्टेप में ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आने लग जाएंगे कि कैसे मैं टॉपर बन सकता हूँ। और अगर नहीं आ रहे हैं तो जाके यूट्यूब पर सर्च करो कैसे आप टॉपर बन सकते हो। दुनिया में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर आपके पास 1 महीना है, 10 दिन है, 15 दिन है, 2 महीने हैं, जितना भी समय है, उतने समय में आप टॉपर बन सकते हो। रिसर्च करो यूट्यूब पर, आपको हजारों वीडियोज मिल जाएंगी, पूरी स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी, लेकिन खुद पर भरोसा रखना है और बर्निंग डिजायर चाहिए कि मेरे को टॉपर बनना ही बनना है। दुनिया में कोई भी चीज स्टार्ट होती ना, तो वो सोचने से ही होती है। कभी किसी ने सोचा था कि मेरे को हवा में उड़ना है, एरोप्लेन बना दिया। सोचने से ही चीज स्टार्ट होती है, जब तक सोचोगे नहीं तब तक वो चीज तुम्हें नहीं मिल सकती है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में पागल होता है, कैसे होता है, कैसे वो उससे प्यार करने लग जाता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है देखने से। जब कोई लड़का किसी लड़की को पहली बार देखता है, तब ही जाके कुछ स्टार्ट होता है कि भैया मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। जब तक देखेगा नहीं, तब तक प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। स्टार्टिंग होती है देखने से, सोचने से। जब तुम सोचोगे कि मेरे को टॉपर बनना है, जब तुम टॉपर की तरफ देखोगे कि भैया टॉपर को कितना अप्रिशिएशन मिलता है, टॉपर कितने खुश हैं, टॉपर कितने पैसे कमाते हैं, जब वो सारी चीज़ तुम देखोगे मेरे भाई, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ दिमाग में सोचोगे कि यार मेरे को भी टॉपर बनना है। जब सोचोगे तो भैया उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ आएंगे कि कैसे तुम टॉपर बन सकते हो। सेम वैसे ही जब कोई लड़का किसी लड़की को देखता है, उसको वो लड़की पसंद आ जाती है, पसंद आने के बाद क्या करता है, वो सोचता है यार मुझे यार ये लड़की चाहिए, यार काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मज़ा आ जाएगा। ऐसी आप बोलो, काश मैं टॉपर बन जाऊँ तो मज़ा आ जाएगा, यस मैं टॉपर बन सकता हूँ, हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये लड़की मेरे से पट जाए, पक्का ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, होता ना एक। फिर क्या करता है वो लड़का, उस लड़की के पीछे भागता है, वो जहाँ जाएगी उसके पीछे पीछे जा रहा है, उसको देखे जा रहा है, 24 घंटे उसके बारे में सोच रहा है, हैं हज़ारों वीडियोज़ देख रहा है कि लड़कियाँ कैसे पटाएं। शैम वैसे ही आपको पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई चलना चाहिए, मेरे को टॉपर बनना है ये चीज चलना चाहिए। और भाई सिंपल सी बात है, तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, एक बार में वो लड़की भाव नहीं देगी, सिंपल सी बात है। हो सकता है पहली बार में वो रिजेक्ट कर दे, हैं होता ना, एक बार में तो कभी भाव नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैंने ऐसा सुना है, हालांकि कभी किया नहीं जिंदगी में। ऐसे ही जब तुम पढ़ाई करने को बैठोगे ना, तो भैया पढ़ाई तुमसे दूर भागेगी, तुमसे होगी नहीं, हैं तुम्हारा दिमाग ही नहीं लगे, तुम्हारा मन गएगा यार चलो इंस्टाग्राम चलाते हैं, फ़ोन आ जाएगा दोस्त का, तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, लड़की भी एक बार में भाव नहीं देती, पढ़ाई लिखाई भी एक बार में तुम्हें भाव नहीं देती। लेकिन अगर कोई इंसान किसी लड़की के पीछे पढ़ा रहे, तो एक टाइम पर वो लड़की भी बोलेगी कि हाँ बताओ फ्रेंड बन सकते हैं बताओ। वैसे ही जब तुम पढ़ाई कंटिन्यूसली करते रहोगे, भले ही समझ में नहीं आ रही, भले ही मन नहीं लग रहा, तब भी जबरदस्ती मन लगाए हो, छोड़ूंगा नहीं भाई, पढ़ाई करना है मतलब करना है, समझ में आ रही तब भी कर रहे हैं, नहीं पढ़ाई समझ में आ रही तब भी करते जा रहे हैं, मैं गारंटीज क्या, एक समय जरूर आएगा कि तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। स्टार्टिंग में कभी समझ में नहीं आता पढ़ाई लिखाई में कुछ, लेकिन अगर तुम कंटिन्यूसली करते जाते हो, तो डेफिनेटली फिर पढ़ाई धीरे धीरे समझ में आने लगती है ना। वैसे होता है, पीछा करना पड़ता है लड़की का, है ना, काफ़ी बात करनी पड़ती है, बहुत मेहनत होती है, वैसे पढ़ाई लिखाई में भी मेहनत होती है, ठीक है। तो भैया तुम्हें किसी लड़की के प्यार में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी पढ़ाई लिखाई में पागल हो जाओ, ठीक है। और जो रिलेशनशिप में चलता है ना,
वही सेम चीज़ पढ़ाई के साथ भी चलता है भैया। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई से प्यार करो, डेफिनेटली आप टॉपर बन सकते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर आपने सोच लिया, ठान लिया, है ना। लेकिन सिर्फ सोचने से, ठान लेने से नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा मेरे भाई लगातार, क्लियर। बट स्टार्टिंग हमेशा सोचने से होती है, सोचने से होती है, खुद पे विश्वास रखने से होती है, चीज़ें रिसर्च करने से होती है, प्लानिंग करने से होती है। प्लान आपके पास होना चाहिए, आप क्या क्या पढ़ोगे, कैसे कैसे पढ़ोगे, और डेफिनेटली आप टॉपर बन सकते हो लगातार अगर पढ़ते रहते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।